क्या ये बात सही नहीं है कि अब धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, दिल्ली सरकार के हाथ से चीजें बेकाबू हो रही हैं। ढेरों मिसालें हमारे सामने हैं। मसलन इस वक्त मेरे सामने एक अखबार की कटिंग है जिसमें लिखा हुआ, कोरोना संदिग्ध डॉक्टर पिता को लेकर बेटी 5 अस्पतालों में चक्कर लगाती रही, किसी ने भर्ती नहीं किया, उसने दम तोड़ दिया। फिर एक और मामला था, एक बुजुर्ग ने हाईकोर्ट में अर्जी डाली थी क्योंकि उसे वेंटिलेटर और हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहा था। उससे जब सुनवाई हुई उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। ऐसी कई मिसालें उभर कर आ रही हैं। शाहिद सिद्दीकी की मिसाल है कि पत्रकार और फॉर्मर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनकी उनकी किसी रिश्तेदार का मामला है, उनकी भी ऐसी मौत हो गई। क्या दिल्ली हालात को काबू नहीं कर पा रहा है? जो तीन स्पेसिफिक मिसालें दी मैंने आपको, बिल्कुल ये मैं आपको इस सिलसिलेवार बताऊंगा। अभिसार जी देखिए, ऐसा है कि पहले दिन से ही हम बेहतर चिकित्सा सुविधा दिल्ली में देने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार प्रयास कर रही है, और इसमें हमने 9000 बेड सुरक्षित किए हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए। ऑक्सीजन की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, डॉक्टर्स के लिए पीपीई किट्स की व्यवस्था, नर्सेस के लिए पीपीई किट्स की व्यवस्था, उनके रुकने के लिए होटल्स के इंतजाम, यानी हम चिकित्सा प्लाज्मा थेरेपी जैसी चिकित्सा विधि को अपनाया जिससे लोगों की जान काफी हद तक बचाने में हम कामयाब हुए। तो दिल्ली के अंदर हम लोग चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर सजग हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ये बड़ी महामारी है, एक बड़ा संकट है, और रातों रात सब कुछ करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम फेज वाइज, जैसे हमसे पूछा जाता है, इसका मतलब ये हुआ, आप कह रहे हैं, सुनिए संजय भाई, इसका मतलब ये हुआ, आप कह रहे हैं रातों रात करना मुश्किल है। 5 साल आपकी सरकार थी, आपकी उपलब्धि, आप हमेशा कहते थे मेडिकल फैसिलिटीज और एजुकेशन था, रातों रात अब आप कह रहे हैं कि करना संभव नहीं है। इसका मतलब 5 साल आप नहीं कर पाए दुरुस्त, उसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। ये जो तमाम मिसालें मैं आपको बता रहा हूं उसी का नतीजा है। संजय, क्या ये बात सही नहीं है? मुझे लगता है कि इसी का जवाब आपको देना मुझे जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी इस बात का जवाब है। आज दिल्ली में हमने क्या किया और हमारी चिकित्सा सुविधा कैसे दूसरों से बेहतर है, ये जानना जरूरी है। दिल्ली हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां पर मिलियन ज्यादा टेस्टिंग होती है। दिल्ली हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां पर हम लोगों ने मृत्यु दर, लोगों का जीवन बचाने में इतने हाई रिस्क पे हम रहते हैं कि यहाँ पे बाहर से आने वाली फ्लाइट्स के जरिए बहुत सारे तरीकों से यहाँ पे कोरोना के संक्रमण फैलने की बहुत सारी संभावनाएं होने के बावजूद हमने दिल्ली में लोगों का जीवन बचाने में बहुत अच्छी सफलता पाई, इसलिए कि हमारा हेल्थ सिस्टम बेहतर है। बेड्स हमारे पास आज भी 4000, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 4000 बेड हमारे खाली है हॉस्पिटल के अंदर। अहमदाबाद, जिसके चिकित्सा मॉडल का पूरे दुनिया में डंका पीटती है बीजेपी, वहां अहमदाबाद में 6.9% मृत्यु दर है, दिल्ली में 2.6% मृत्यु दर है। तो हम टेस्टिंग के मामले में, मृत्यु दर के मामले में, हॉस्पिटल की फैसिलिटी उपलब्ध कराने के मामले में बहुत आगे हैं, और इसी के कारण आज दिल्ली अपनी सारी तैयारियां कर रही है। हमने आने वाले दिनों में होटल्स को, बैंक्वेट्स को, तमाम और अरेंजमेंट्स किए हैं। जरूरत पड़ेगी तो स्टेडियम्स को हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे पूरी तरीके से। नहीं संजय, मगर जो मिसालें हैं वो कम से कम उस जीत को प्रमाणित नहीं कर रही हैं, और ये जो तमाम चीजों का बखान आप कर रहे हैं, क्या उसी का नतीजा है कि आप सर गंगाराम हॉस्पिटल के खिलाफ FIR दर्ज कर देते हैं? एक ऐसे वक्त जब आपको डॉक्टर्स के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए, संजय, आप FIR दर्ज कर रहे हैं, ये कहां से जस्टिफाई? अभिसार जी, ये बातें जब मैं सुनता हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो सरकार डॉक्टरों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी हुई है, और जो सरकार डॉक्टर्स को सबसे बेहतरीन फैसिलिटी हिंदुस्तान में दे रही है, हमसे ये कहा जा रहा है कि हम डॉक्टरों के खिलाफ हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ हैं, ये बिल्कुल सच नहीं है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल किसी मरीज के साथ अमानवीय व्यवहार करेंगे, उनको एडमिट नहीं करेंगे, उनसे ओवर विलिंग करेंगे, तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। Thank you.